बिसाहूलाल की महिलाओं पर दिए गए बयान से मचे बवाल के बाद खुद सीएम शिवराज को उनके साथ बैठक करनी पड़ी और सीएम के फटकार के बाद बिसाहूलाल को माफी भी मांगनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह सीएम हाउस तलब किए गए थे। उन्होंने अनूपपुर की एक सभा में सवर्ण महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। हालांकि वो लिखित में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन करनी सेना उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले बिसाहूलाल सिंह के उस बयान को सुन लीजिए। जितने बड़े बड़े लोग ठाकुर फकार और कुछ और बड़े लोग वो अपन घर के अवतंत्र को फिर वो बंद कर देते, बाहर निकलने निकलते थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंकने वाले हमारे गांव के भाई लग रहा यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। सीएम ने साफ कह दिया, महिलाओं को लेकर सभी नेताओं को मर्यादा में रहना चाहिए, किसी की भी ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो मंत्री कार्यकर्ता अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं तो हम क्षमा नहीं करेंगे। सीएम से लगे फटकार के बाद बिसाहूलाल सिंह को कैमरे के सामने आकर भी अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उनके इस बयान पर पार्टी की तरफ से माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। महिलाओं के लिए सभी को एक मर्यादा में रहना चाहिए, फिर वो नेता हो या फिर आम नागरिक। उम्मीद है बिसाहूलाल सिंह आगे से इस तरह की बयानबाजी से परहेज करेंगे। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।